हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 12th का एक प्रैक्टिकल से रिलेटेड टॉपिक लाया हूँ, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से। ये टॉपिक आपका सीबीएसई बोर्ड प्रैक्टिकल का ही एक पार्ट है और जो आपसे हर साल पूछा जाता है। 8 मार्क्स का इसका वेटेज है। 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल का आपका ब्लू प्रिंट है, उस हिसाब से आपका एक एक्सरसाइज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का रहता है। लगभग 90% स्टूडेंट को यही टाइटेशंस करना होता है, यही वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की प्रॉब्लम्स करनी होती है। आइए पहले तो मैं थ्योरी डिस्कस करूंगा प्रैक्टिकल से रिलेटेड, फिर मैं आपको लास्ट में एक परफॉर्मेंस भी करके दिखाऊंगा, जिससे आप लैब में उसे आसानी से कर लीजिएगा, ताकि आप उसे लैब में परफॉर्मेंस कर सकते हो। ठीक है, आइए पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि हम टाइटेशंस में क्या करना चाहते हैं, हमारा ये किस टाइप का टाइटेशन है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, वाइवा से रिलेटेड हमें उन चीज़ों का भी ध्यान देना है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप इस प्रैक्टिकल को देखने के बाद अपनी लैब में इसे परफॉर्मेंस कर सकें, इसे अपनी लैब में इसे ट्राई कर सकें, मैंने पूरा प्रयास किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार ये प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्मेंस करना है। वो तो मैंने आपको बताया है, लेकिन मैं इसकी थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस कर लेता हूँ। टाइटेशंस की अगर मैं बात करूँ, तो टाइटेशन के प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर दूँ। एक अननोन स्ट्रेंथ का, अननोन मोलरिटी का एक सोल्यूशन आपको दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि हमें इसकी स्ट्रेंथ और मोलरिटी के बारे में आपसे जानकारी चाहिए। ठीक है, एक अननोन स्ट्रेंथ का, अननोन मोलरिटी का सॉल्यूशंस आपको दिया जाता है लैब में, आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग आपको पता करना होता है कि इसकी स्ट्रेंथ एग्जैक्टली और मोलरिटी कितनी है जो गिवन है अननोन। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नोन स्ट्रेंथ का सॉल्यूशंस हमें दिया जाता है। ठीक है, एक नोन स्ट्रेंथ का सॉल्यूशंस हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है, और उसकी किसी नोन जो जिसकी स्ट्रेंथ और मोलरिटी हमको गिवन रहती है, किसी नोन सॉल्यूशंस की हेल्प से अननोन सॉल्यूशंस की स्ट्रेंथ और मोलरिटी डिफाइन करना या कैलकुलेट करना या फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है, उसी को हम लोग टाइटेशंस कह रहे हैं। एग्जैक्टली इसका जो प्रिंसिपल है वो केमिकल इक्विवेलेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं आपको फिर बता दूं, किसी नोन की हेल्प लेकर, किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस की हेल्प लेकर अननोन सॉल्यूशंस की स्ट्रेंथ या मोलरिटी फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है, वही हमारा टाइटेशन है। टाइटेशन हमारा एसिड बेस होता है, जो क्लास 11th में होता है, जिसमें क्या होता है, अगर नोन एसिड है तो अननोन बेस होगा, अगर ये बेस है तो नोन एसिड होगा, तो उसके लिए हम लोग एसिड बेस टाइटेशन कर लेते हैं। लेकिन ये क्लास 12th की बात करूँ, एग्जामिनर पूछ लेगा कि ये किस टाइप का टाइटेशन था, तो क्लियर कर लीजिएगा ये एक रेडॉक्स टाइटेशन है। रेडॉक्स मीन समझते हैं आप लोग, जिसमें एक ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होगा इस प्रोसेस के अंदर, तो ये मेरा एक रेडॉक्स टाइटेशन है। ये क्वेश्चन मुझसे वाइवा में पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पे पहले क्या कर रहे हैं। सबसे पहले टाइटेशन करने के लिए हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, जिसकी हेल्प से हमें एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, जिसकी हेल्प से हमें अननोन सॉल्यूशंस की स्ट्रेंथ और मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, आपसे कहा जाएगा भाई M/20 का FAS तैयार कर दीजिए, आपसे कह सकता है M/30 का FAS तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, आपसे कह देगा M/40 का FAS तैयार कर लीजिएगा। तो ये तो डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्ट पे, मोस्टली M/20 का किया जाता है मोस्टली। अब पहले बात आती है कि व्हाट इज द FAS। चलिए मैं एक चेक करके क्लियर कर देता हूँ। फेरस अमोनियम सल्फेट को, ठीक है, फेरस अमोनियम सल्फेट को हम लोग, फेरस अमोनियम सल्फेट को हम लोग शॉर्ट में FAS कह रहे हैं। ठीक है, ये आपका डबल साल्ट होता है, ये बात भी आपसे वाइवा में पूछ सकता है कि ये कैसा साल्ट होता है। ये आपका एक डबल साल्ट होता है,
FAS की फुल फॉर्म केमिकल नेम फेरस अमोनियम सल्फेट होता है। मॉलिकुलर वेट की अगर आप बात करते हो तो इसका 392.5 एग्जैक्टली लगभग होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन पूछ सकता है, ये +2 होती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो मैंने FAS क्या है मेरा, एक डबल सॉल्ट है। FAS का मॉलिकुलर वेट कितना है, 392.5 है। FAS में वेलेंसी आयरन की कितनी है, +2 एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो हमें नोन हमारा FAS है, इसकी मोलरिटी हमें पता है, स्ट्रेंथ हमें पता है, और हमें उसकी हेल्प से अननोन का पता करना है। तो पहले हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार करना है। हाउ टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस कैसे बनाएंगे, आइए हम लोग बताते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। कितनी भी मोलरिटी का अगर आपको नोन स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनाने हैं तो उसके लिए हमें पहले वेइंग करना होता है। वेइंग करने के लिए हमें कितना वेट चाहिए सब्सटेंस का, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एम इंटू स्मॉल एम इंटू वी अपॉन 1000। हम इस फॉर्मूले की हेल्प लेकर पता करते हैं कि एग्जैक्टली हमें कितना वेट करना है, कितना सब्सटेंस वेइंग करना है, डब्ल्यू इक्वल्स टू एम इंटू स्मॉल एम इंटू वी अपॉन 1000 की हेल्प लेकर, ठीक है। कितनी मोलरिटी का है रिक्वायरमेंट, आप कहेंगे सर 1/20 का बनाना है। FAS है, मोलर मास होगा उसका 392.5, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मेरे बच्चे ऑलवेज 200-250 ml में बनाए जाते हैं। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 4.9 ग्राम आ जाएगा। एग्जैक्टली आपको 4.9 ग्राम FAS वेइंग करना है, ठीक है। आपको 4.9 ग्राम FAS वेइंग करना है, ठीक है। 4.9 ग्राम आपको फेरस अमोनियम सल्फेट चाहिए, उसके लिए आप केमिकल वेलेंस का यूज करते हैं। एग्जैक्टली NCERT में तो वही, लेकिन आजकल लैब में सब स्टैंडर्ड लैब होती जा रही है तो सब लोग इलेक्ट्रॉनिक वेलेंस पे ही काम कर लेते हैं, तो आप भी वो कर सकते हैं। ये ऐसा कोई खास नहीं है कि आप उसी पे काम करें, आप उस पे करें तो बहुत अच्छा है। मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे वेइंग करना होता है, लेकिन फिलहाल आप इलेक्ट्रॉनिक वेलेंस पे उसे वेइंग कर लें, ठीक है। तो ये कैसे वेइंग करना है, FAS क्या है, FAS कैसे करते हैं, क्या वर्क है, तो हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस की बात कर ली। कैसे कितना चाहिए, ये फॉर्मूला जो पूछ बायबा में पूछ लेगा कि भाई क्या फॉर्मूला यूज किया, डब्ल्यू इक्वल्स टू एम इंटू स्मॉल एम इंटू वी अपॉन 1000 की हेल्प लेकर मुझे मालूम पड़ा कि मुझे 4.9 ग्राम FAS की रिक्वायरमेंट है जिससे मैं अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनाऊंगा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, एक मेजरिंग फ्लास्क लेना है, ठीक है। एक मेजरिंग फ्लास्क लेना है, इस तरीके का एक मेजरिंग फ्लास्क होगा। यहाँ पे मार्क लगा होगा जितने ml का वॉल्यूम आपको रिक्वायरमेंट है, 250 में बनाना है। यहाँ पे आप एक फनल लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक फनल लगा लीजिएगा, ओके, ठीक है। यहाँ पे आप एक फनल लगा लीजिएगा। एक बीकर में आप 250 ml डिस्टिल वाटर ले लीजिएगा, 250 ml डिस्टिल वाटर ले लीजिएगा, ठीक है। और वॉच ग्लास पर जैसे भी आप लेना चाहें, ठीक है। यहाँ पे आप अपना 4.9 ग्राम FAS को ले लीजिएगा, ठीक है। 4.9 ग्राम FAS ले लीजिएगा। पहले आप अपने FAS को यहाँ पे डाल दीजिएगा, थोड़ा सा फनल में सारा FAS डाल दीजिएगा, और फिर टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, लाइक 100 ml ले लीजिएगा, 100 ml डिस्टिल वाटर ले लीजिएगा, और इसको डिजोल्व कर लीजिएगा, शक कर लीजिए, सारे पार्टिकल लगभग आपके घुल जाने चाहिए। और प्लीज़ आपसे निवेदन है कि इसमें वन टेस्ट ट्यूब के अप्रॉक्स इसमें डायलूट H2SO4 और डालें। क्यों डाल रहे हैं ये भी बात एग्जामिनर पूछेगा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए आप इसके अंदर 1 टेस्ट ट्यूब डायलूट H2SO4 डालें, और किस लिए डाल रहे हैं, ताकि आपके FAS का हाइड्रेशन ना हो जाए। FAS के हाइड्रेशन के प्रोसेस को रोकने के लिए हम लोग इसके अंदर 250 ml, ठीक है, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आपको डिस्टिल वाटर चाहिए 250 ml, FAS चाहिए 4.9 ग्राम, ठीक है, FAS चाहिए, और 1 टेस्ट ट्यूब डायलूट H2SO4 डालकर आप उसे मेजरिंग फ्लास्क में तैयार कर सकते हैं, और इस तरीके से आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। हालांकि मैंने परफॉर्मेंस करके दिखाया कैसे बनाना है, पूरा करके दिखाया, आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखें ताकि आपको प्रेजेंटेशंस कैसे करना है लैब में, केमिकल शेल पे खड़े होके वो आपको सब मैंने करके दिखाया है, तो प्लीज़ आप वहाँ ज़रूर देखें। ये तो मैं केवल थॉटिकली बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार है नोन, जिसकी स्ट्रेंथ और मोलरिटी हमको पता थी, ठीक है। आइए अब हमको आगे कैसे परफॉर्मेंस करना है, क्या क्या चीज़ हमें इसके अंदर समझनी है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
एक ब्यूरेट स्टैंड अरेंज करेंगे, ब्यूरेट स्टैंड में ब्यूरेट अरेंज करेंगे, और ब्यूरेट के अंदर हम लोग ब्यूरेट के अंदर हम लोग एक अननोन जो KMnO4 हमें गिवन किया गया है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक ब्यूरेट स्टैंड लगा लेंगे। ठीक है, मैं बस एक छोटा सा परफॉर्मेंस करके बता दे रहा हूँ यहाँ पे, हालांकि मैंने इसका वीडियो प्रॉपर बनाया है कि आपको कैसे रीडिंग्स लेनी है, कैसे काम करना है। मान लीजिएगा दिस इज अ ब्यूरेट स्टैंड, दिस इज द ब्यूरेट, यहाँ पे मार्किंग होगी या ब्यूरेट स्टैंड ब्यूरेट के ऊपर इस तरीके से, ठीक है ना, या मार्किंग होगी आपकी, ठीक है ना, ये इस तरीके से आपकी मार्किंग होगी ब्यूरेट पर। तो अननोन जो है आपका KMnO4 है, और KMnO4 जो अननोन है आपका, ठीक है, वो आपको ब्यूरेट पे लेना है, ठीक है, ब्यूरेट पे लेना है, और आपको जीरो तक मार्क करना है। जरूरी नहीं है आप उसे जीरो तक करें, लेकिन उतना जरूर करें जितना आपको टाइटेशंस के लिए रिक्वायर्ड है वॉल्यूम, ठीक है। तो ब्यूरेट स्टैंड आप लगा लीजिएगा, ब्यूरेट साफ कर लीजिएगा वाटर से, क्रोमिक एसिड से कर लीजिए अगर ज्यादा गंदी है तो, और KMnO4 अननोन से जीरो तक भर के अपना रख लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक कॉनिकल फ्लास्क ले लीजिएगा, ठीक है, एक कॉनिकल फ्लास्क ले लीजिए, ठीक है, और कॉनिकल फ्लास्क में पिपरेट की हेल्प ले लीजिएगा। आपको पिपरेट लैब में अलग अलग वॉल्यूम में आती है, 10, 20, ठीक है, इस तरीके से 10, 20 इस तरीके से आपकी आया करती है, ठीक है। तो पिपरेट की हेल्प लेकर, ठीक है ना, दिस इज द पिपरेट, आप थोड़ा सा प्रिंटिंग ऐसी है वही, तो आप समझ लीजिएगा। तो पिपरेट यहाँ पे वॉल्यूम होगा 10 ml होगा, 20 ml होगा, 5 ml होगा, 25 होगा, तो 20 ml की आप ले लीजिएगा ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। तो पिपरेट से अपने वॉल्यूम को लेकर कॉनिकल फ्लास्क में इस तरीके से किनारे से उसे ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, और किनारे से ट्रांसफ़र करने के बाद आप अपने इस कॉनिकल फ्लास्क को ब्यूरेट के नीचे ले जाकर स्टैंड के नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेट करें। जैसे ही आप ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेट करेंगे तो एक पिंक कलर आएगा, और पिंक कलर आपका डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन आपको जब तक वो आपको टाइट्रेट करना है जब तक आपको एक परमानेंट पिंक कलर नहीं मिल जाता, और जिस पॉइंट पर आपको परमानेंट पिंक कलर मिल जाता है वही आपका एंड पॉइंट कहलाता है। आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा एंड पॉइंट कहा था क्या था जिस पर आपका एक परमानेंट पिंक कलर आया था। आपके इस रेडॉक्स टाइट्रेशन में इंडिकेटर है कोई? यस, KMnO4 ही आपका इंडिकेटर है, वो आपका एक सेल्फ इंडिकेटर का वर्क कर रहा है। ये बात भी एग्जामिनर पूछ सकता है वाइवा में, ठीक है, ये बात भी हमसे पूछ सकता है। तो ये मैंने छोटी छोटी बातें बताई कि ब्यूरेट में क्या लेना है, पिपरेट में क्या लेना है। पिपरेट में नो लेना है M/20 का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, पिपरेट में M/20 का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। हालांकि ये सब जरूरी नहीं था, मैंने प्रॉपर परफॉर्मेंस करके दिखाया है कि कैसे स्टैंडर्ड बनाना है, कैसे रीडिंग्स लेने हैं, कैसे काम करना है। तो मैं आगे का आपको बता देता हूँ कि इसमें और हमसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पहली चीज, एग्जामिनर आपसे मॉलिकुलर एक्शंस लिखवा सकता है, 2KMnO4, 8S2SO4, 10FeS से रिएक्ट करके K2SO4, 2MnS4, 5Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 10 अमोनियम सल्फेट प्लस 68 टाइम्स वाटर देता है। तो ये उसकी मॉलिकुलर एक्शंस होती है, और दिस इज द आयनिक। अगर आप मॉलिकुलर नहीं लिख सकते एग्जाम में तो आप आयनिक लिख लीजिएगा, MnO4 माइनस 8H प्लस 5Fe प्लस 2 से रिएक्ट करके 5Fe प्लस 3 Mn प्लस 2 और 4S2 आपको देता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आपको समझ में आता होगा, Fe प्लस 2 का ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 3 हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है हम कहते हैं वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और MnO4 का आप ऑक्सीडेशन देख रहे हैं 7 से 5 हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो हम कहते हैं वो रिडक्शन करेगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि आपका जो टाइट्रेशन है, रेडॉक्स टाइट्रेशन है FeS का, KMnO4 के अगेंस्ट जो टाइट्रेशन हो रहा है उसमें FeS तो ऑक्सीडाइज हो रहा है और KMnO4 इस पर रिड्यूस हो रहा है। ये बात एग्जामिनर पूछेगा कि आपके इस रेडॉक्स टाइट्रेशन में ऑक्सीडाइज कौन है और रिड्यूस कौन है, तो वो मैंने क्लियर कर दिया है कि FeS तो इसका ऑक्सीडाइज हो रहा है और KMnO4 इसके अंदर रिड्यूस कर रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमारी सारी बातें क्लियर क्लियर हो गई हैं कि FeS बनाना कैसे है, कैसे हमें टाइट्रेशंस करना है, मैंने प्रॉपर करके दिखाया है, आप उस वीडियो को जरूर देखें, इसके बाद ही तुरंत आपको मिलेगा लिंक पूरा। और FeS क्या है, FeS कैसे बनाना है, KMnO4 क्या है, ठीक है। आइए मैं अब आपको रीडिंग का प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको रीडिंग कैसे करनी है, ठीक है। जब आप रीडिंग्स लेंगे एक परमानेंट पिंक कलर आएगा, वो प्रोसेस आपको कम से कम 3 से 4 बार करना है। करना तो जब तक है जब तक दो रीडिंग एक सीन आ जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर डिफरेंट आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप उनका एवरेज मीन ले लें, वही आपकी एक फिर एक फाइनल रीडिंग होगी,
तो रीडिंग कैसे लेनी है, वही कॉनिकल फ्लास्क में ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेट करना है, एक वन तीन से चार बार करना है। तो मान लीजिएगा आपको रीडिंग सेक्शन कैसे करना, मान लो सीरियल नंबर है 1 2 3 कर लीजिएगा, इनिशियल रीडिंग है आपकी मान लो 0 0 भी लेके चलते हैं, आपको परेशान नहीं करना चाहता, वैसे आप कोई सी भी ले सकते थे लेकिन 0 0 पे लेके चलते हैं। और मान लो पहली फाइनल रीडिंग हमारी आ जाती है 19.6 आ जाती है, 19.8 आ जाती है और फिर 19.8 आ जाती है, ठीक है, इनिशियल फाइनल, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ वॉल्यूम ऑफ केमेनो, यूज्ड वॉल्यूम ऑफ KMnO4 वी माइनस ए कर लीजिएगा, दिस इज द बी दिस इज द ए, तो वी माइनस ए कर लीजिएगा। तो मान लो ये सब आपका फाइनल रीडिंग्स मान लेते हैं, ये आ जाती है 19.8 आ जाती है, मान लीजिएगा ये आपकी उस हिसाब से आपकी रीडिंग 19.6 ही आएगी, ये 19.8 ही आएगी, ये भी 19.8 ही आएगी अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो, ठीक है। और रिलेटिव आपकी जो फाइनल रीडिंग होगी वो आप जब, क्योंकि दो रीडिंग एक सी आ रही है मेरी यहाँ पे, तो मान लेते हैं कि दिस इज द फाइनल रीडिंग, ठीक है, रिलीवेंट रीडिंग है हमारी 19.8। तो इस तरीके से आपका ये फाइनल रीडिंग्स आ चुकी है। आप कैसे करेंगे, फॉर्मूला हम यूज करेंगे M1 V1 unknown अपॉन M1 V1 known इसकोस टू 2 by 10। अक्सर पूछता है एग्जामिनर 2 by 10 क्या है, 2 by 10 आपका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, 2 मोल आपके KMnO4 के 10 FeSO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ये उसके मोल है, ठीक है। आपको अननोन KMnO4 का मोलिटी निकालना है, तो नोन कौन है आपका FeS, कितना यूज कर रहा है 1 by 20, V1 है यूज्ड ऑफ पिपरेट वॉल्यूम, कितना लिया था आपने 20 का लिया था देख लीजिएगा, ठीक है 20 लिया था आपका V1 आपकी, ये जो फाइनल रीडिंग है जो आपने निकाल लिया कितनी आई 19.8 आई। आप इस सबको सोल्व कर लेते हैं तो मोलिटी आपकी आ जाती है KMnO4 की 0.010 मोल पर लीटर, ठीक है, ये आपकी मोलिटी आ जाती है KMnO4 की। स्ट्रेंथ निकालने के लिए आप यूज करते हैं मोलिटी इंटू 158, ठीक है, मोलिटी इंटू 158 और मोलिटी आपकी 0.010 इंटू 158 और इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.59 ग्राम पर लीटर आ जाया करती है आपकी स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशंस करेंगे इस प्रैक्टिकल्स की, ठीक है। ये 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल जरूर आपको मिलता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, अपनी लैब में जाएं, आप प्रॉपर कर सकते हैं, मैंने आपको करके दिखाया कैसे करना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को पिपरेट की हेल्प लेकर कॉनिकल में और ब्यूरेट में अननोन KMnO4 लेकर जो भी आपको गिवन है। मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं है आपकी ये रीडिंग आएंगी, मैं आप स्टैंडर्ड रीडिंग यही है, आपके टीचर्स ने क्या लिया है, आपका अननोन कितनी स्ट्रेंथ का लिया है, क्योंकि बहुत से टीचर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, तो उस हिसाब से आपकी रीडिंग्स में वेरिएशंस आएंगे। आप ये ना कहें कि सर आपने तो ये बताई थी, मेरी ये जो रीडिंग आ रही है ये मैंने मान के चला हूँ कि अननोन जो KMnO4 है वो M/100 का बनाया गया है, उस हिसाब से ये रीडिंग आएंगी। आपके सर ने आपके टीचर ने कितनी स्ट्रेंथ का बनाया है, M/ मान लो 120 का बनाया है या M/40 का बनाया, 140 का बनाया है या और कम का बनाया है, तो उस हिसाब से रीडिंग आएगी। प्रोसीजर यही है, स्टैंडर्ड बनाना है, पिपरेट्स में नोन लेना है, ब्यूरेट में अननोन लेना है, टाइटेशंस कैसे करना है वीडियो में प्रॉपर मैंने बताया है आपको, वीडियो पूरा देखें, आई होप आपको समझ में आएगा, समझ में आए तो ज़रूर और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा। और ये प्रैक्टिकल सबको करना होता है बोर्ड एग्जाम में, आप कभी भी देख लीजिएगा, ये जरूर करना होता है, ये सबके लिए लगभग कंपलसरी है, कोई भी स्कूल हो CBSE बोर्ड का लगभग करना ही है। तो थैंक यू आज के लिए, अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर बताएं, परफॉर्मेंस जरूर करके देखें लैब में, और आई एम श्योर आपकी रीडिंग्स आएंगी, आप पे टाइटेशन करना आ जाएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा, HOD केमिस्ट्री फ्रॉम RPM सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम लोग क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करने के लिए हमारा क्लास 12 में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ रेडॉक्स टाइट्रेशंस है। हमारे पास एक अननोन सबस्टांस होगा जो कि KMnO4 होगा और जिसके बारे में थ्योरी में प्रीवियस लिंक में डिस्कस कर चुका हूँ, आप वहाँ पे पहले स्टडी कर लें पहले पूरा, और मैं आज आपको एक परफॉर्मेंस करके दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली रीडिंग्स आपको कैसे लेनी है।
टैक्टिशंस आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें अपना अननोन, हमारा यहाँ पे रेडॉक्स टैक्टिशंस है और अननोन हमारा KVNO4 है, वो एक अननोन स्ट्रेंथ का है। ये स्ट्रेंथ हमें पता करनी है, जिसके लिए हम एक नोन सब्सटेंस लेंगे और वो नोन है हमारा फेरस अमोनियम सल्फेट। स्टैंडर्ड फेरस अमोनियम सल्फेट हमें पहले प्रिपेयर करना होगा, फिर स्टैंडर्ड फेरस अमोनियम सल्फेट से हमें टैक्टेशंस करना होगा, ठीक है, तब जाकर हम लोग अपना रीडिंग्स ले पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैसे तैयार करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस M/20 जनरली सब सारे टीचर्स हमें देते हैं, सारे टीचर्स M/20 का FAS ले ही काम करते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट जो एक हमारा डबल साल्ट है, ठीक है, डबल साल्ट है, हम उसके अकॉर्डिंग ही। तो हाउ टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन M/20 का, हमें FAS का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, एक तो हमें FAS चाहिए, कितना FAS चाहिए इसके लिए मैं आपको थोड़ी बता चुका हूँ, W=m(m)V/1000 फॉर्मूला यूज करके आप पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कितना FAS आपको चाहिए M/20 का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए। और जनरली आप उसे केमिकल वेलेंस पे ही करते हैं, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक वेलेंस पे उसे वेन कर सकते हैं, और यही मैंने भी किया है फिलहाल, ठीक है, ताकि हम चीज़ें थोड़ा जल्दी कर लें, ठीक है। यू नो दिस इज द मेजरिंग फ्लास्क, ठीक है, मेजरिंग फ्लास्क में हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पे मार्क लगा हुआ है, इस मार्क तक आपको अपना 250 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार करना है। जनरली स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम लोग 250 ml में ही तैयार करते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे फनल ले रखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी FAS आपके लिए वेन कर रखा है, ठीक है, तो ये हमने FAS अपना ले लिया है, ठीक है। पहले टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़ा सा अमाउंट ले लीजिएगा वाटर का, ठीक है, लाइक 100 ml, ठीक है, 100 ml ले लीजिएगा, आपके सारे क्रिस्टल्स पार्टिकल्स डिजोल्व हो जाने चाहिए, ठीक है, और मेरे FAS का हाइड्रेशन ना हो जाए, मेरे FAS की हाइड्रेशन ना हो, उसके लिए मैं डायलूट SO4 यूज़ कर रहा हूँ। जनरली एग्जामिनर ये टॉपिक पूछता है आपसे, ठीक है, तो मैंने 1:2 लाइक FAS में डाला है ताकि मेरा हाइड्रेशन ना हो जाए, और मैं अब इसे शक करूँगा, मैं इसको अपने FAS के सॉल्यूशंस को तैयार करूँगा ताकि सारे पार्टिकल्स मेरे लगभग डिजोल्व हो जाने चाहिए, एक क्लियर सॉल्यूशंस प्रिपेयर होना चाहिए, एक क्लियर सॉल्यूशंस मेरा बन जाना चाहिए। और क्लियर सॉल्यूशंस बनाने के लिए मैंने आपको बताया, आपको मेजरिंग फ्लास्क लेना है, FAS लेना है, डिस्टिल वाटर लेना है, डायलूट SO4 लेना है, डायलूट SO4 का क्या यूज है ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सॉल्यूशन को मिक्सअप कर लेंगे, साल्ट को, FAS के साल्ट को, और पार्टिकल्स आपके सारे लगभग डिजोल्व हो जाने चाहिए, कोई भी पार्टिकल्स रहना नहीं चाहिए। इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, एक्यूरेसी का विशेष ध्यान देना है, ठीक है, कोई भी एरर नहीं आना चाहिए टाइटेशंस में, स्पेशली आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। देखिए लगभग मेरे सारे पार्टिकल्स डिजोल्व हो चुके हैं और मैं इसे 250 ml तक करने के लिए मैं इसमें और थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर रहा हूँ, जिससे ये मेरा नॉन सॉल्यूशन तैयार हो जाए, ठीक है। देखिएगा स्टूडेंट, ये मेरा 250 ml मेरा स्टूडेंट एग्जैक्टली तैयार हो चुका है, जहाँ तक मुझे उसे मेजर करना था, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा 250 ml में नॉन सॉल्यूशन तैयार हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि पिपरेट की हेल्प लेकर, ठीक है, पिपरेट की हेल्प से आप अपने अकॉर्डिंग वॉल्यूम ले सकते हैं, मैं 20 ml ले रहा हूँ, आप 20 ml वॉल्यूम लेंगे पिपरेट की हेल्प लेकर। यहाँ पे भी मार्क लगा हुआ है, इस मार्क तक आपको पिपरेट से लेना है। नॉन सॉल्यूशंस हम लोग पिपरेट में लेंगे और अननोन सॉल्यूशंस हम लोग ब्यूरेट स्टैंड ब्यूरेट में लेंगे, दिस इज अ ब्यूरेट स्टैंड, हम ब्यूरेट में लेंगे और आप जनरली जीरो तक उसे मार्क कर लें, जरूरी नहीं है आप जीरो तक मार्क करें, आप किसी भी वॉल्यूम पर मार्क कर सकते हैं, लेकिन आपको उतना वॉल्यूम तो जरूर लेना है जिससे आपका प्रॉपर टैक्टेशंस हो जाए। ऐसा ना हो कि आपने 10 ml तक ही ले रखा और आपका टैक्टेशन नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम इतना तो लेना ही है जिससे आपका टाइटेशन हो जाए, लेकिन जनरली जीरो पे ही हम लोग लेते हैं, तो हम लोग भी जीरो पे ले लेंगे, ठीक है।
तो आइए हम लोग आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? ओके। तो जैसा कि मैंने नोन नोन मुझे प्रिपरेट की हेल्प से लेना है वॉल्यूम नोन एफएएस का, और अननोन हमारा जो गिवन था हमें हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो मैंने ब्यूलेट में ले रखा है, जो मेरे को ऑलरेडी गिवन था। जो मुझे तैयार नहीं करना वो आपको तैयार मिलेगा। अननोन मेरा केमेनो फोर है, ठीक है, और नोन मैं पिपरेट की हेल्प से ले रहा हूँ जिससे मैं टाइटेशन अपना कर सकूँ प्रॉपर, ठीक है। तो आप पिपरेट से लेकर ये वॉल्यूम का मार्क है, आप यहाँ तक उसे मेजर कर लीजिएगा। कैसे करना है आप जरा देख लीजिएगा। तो जैसा कि ये 20 ml मैंने पिपरेट की हेल्प से नॉन सॉल्यूशंस ले रखा है, अब हम इसे पास करेंगे कॉनिकल फ्लास्क में, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क में इस तरीके से इसे किनारे से पास कर दीजिए ताकि कोई भी बबल्स या एयर का वॉल्यूम इसमें ना रह जाए, ठीक है। इस तरीके से आप इसे पास कर दीजिएगा, ठीक है। आइए आइए अब हम लोग बारी बारी से हम लोग टाइटेशन करेंगे, बारी बारी से हम लोग अपनी रीडिंग्स लेंगे। आप ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें टाइटेट कर सकते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप। जैसे ही आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे तो आप लोग देखेंगे इसके अंदर एक पिंक कलर आएगा और वो डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर एक पिंक कलर आएगा जो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि पिंक कलर आपको मिल रहा है जो बार बार आपका डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ड्रॉप बाय ड्रॉप इसे टाइटेट करते रहेंगे, और आपको जब तक टाइट्रेट करना है जब तक आपको एक परमानेंट पिंक कलर आपको इसमें नहीं मिल जाता, ठीक है। जब तक परमानेंट पिंक कलर नहीं आ जाता तो आप इसे टाइट्रेट करते रहिएगा, ठीक है। ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। आप देख रहे हैं पिंक कलर आता है और पिंक कलर वापस आपका डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। ड्रॉप बाय ड्रॉप आप इसे टाइट्रेट कर सकते हैं। देखिए अभी भी मेरा एक परमानेंट पिंक कलर मुझे नहीं मिला है, और मैं अगेन टू अगेन करता रहूँगा जब तक करना है, जब तक आपको एक परमानेंट पिंक कलर आपको नहीं मिल जाता। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको एक परमानेंट पिंक कलर अपीयर होगा, और परमानेंट पिंक कलर आप लोग देख सकते हैं अपीयर हो चुका है, ठीक है। लाइट पिंक कलर आपका एक परमानेंट पिंक कलर अपीयर हो चुका है, और जिस पॉइंट पर आपका परमानेंट पिंक कलर आ जाएगा आप उस पॉइंट की रीडिंग नोट कर लेंगे, और रीडिंग मेरी लगभग परफेक्ट आ रही है, क्योंकि 20, 21, 22, 19 के अप्रोक्स अगर मेरी रीडिंग आ रही है तो वो परफेक्ट रीडिंग है। रीडिंग आपको लगभग 2 times से 3 times के विटामिन लेनी है, कम से कम 2 से 3 बार तो आपको लेनी है। तरीका तो यही है कि आपको जब तक लेनी है जब तक 2 रीडिंग सेम ना आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता मोस्टली, क्योंकि हम कुछ ना कुछ एरर्स करते ही रहते हैं टाइटेशन करते समय। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि 2 रीडिंग एक सी नहीं आती है तो डिफरेंट आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तीनों रीडिंगों का एक एवरेज मीन निकाल दें और वही आपकी एक फाइनल रीडिंग होगी, और फिर आप प्रॉपर उसे अपने कैलकुलेशन वाले सेक्शंस में यूज कर रहे हैं और आपके आंसर्स आ जाएंगे, स्ट्रेंथ और मोबिलिटी निकल आएगी। तो मैं वापस बोल दे रहा हूँ, पहले स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनाना है MI 20 का, FAS का। जनरली हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 250 ml के सॉल्यूशंस में बनाते हैं, फिर हमें उसे प्रिपरेट्स की हेल्प लेकर टाइटेशंस करना है,
ब्यूरोट में ऑलवेज ध्यान रखना है, ब्यूरोट में टीचर्स पूछ लेता है कि ब्यूरोट में क्या था, ब्यूरोट में अननोन था और पेपरेट में हमने नोन लिया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।